नमस्ते, आज मैं जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब एक गर्भवती स्त्री को जब चौथे महीने के बाद शुगर का जो नॉर्मल स्तर होना चाहिए उससे शुगर ज़्यादा आए खून में, उसकी वजह से डायबिटीज लेबल किया जाता है इन प्रेगनेंसी, उसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो एज क्लिनिशियंस हमें पता रहनी चाहिए और हम बच्चों को बच्चे की सेहत, उसकी फ्यूचर हमारे हाथ में है, इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस से हम एक माता की और उसके बच्चे के आने वाले फ्यूचर को हम बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो इवन एट अ रूरल एरिया और एट अ पेरिफ्री सेंटर आप उसका ध्यान रखें तो एक बहुत ईजीली विदाउट ग्लाइसिमिक फ्लक्चुएशंस हम एक सक्सेसफुल यू नो कंसेप्ट डिलीवरी प्लान कर सकते हैं माता के लिए भी और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस फर्दर ऑन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि GDM मतलब जो मैंने आपको बताया जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो मदर्स होती हैं उनको पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर्स स्पाइक करती हैं। सो जिन माताओं को PCOD है पहले से जानते हैं हम, उनको बहुत हाई रिस्क रहता है कि वो GDM डायग्नोज हों 4th मंथ में, और ऐसे माताओं को पहले से ही कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन कैसे को कितना प्रकार का कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए वो बिफोर प्रेगनेंसी प्लानिंग ही एडवाइस करना चाहिए, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं तब से बताएं तो आगे जाके GDM का चांस पहले तो बहुत कम हो सकता है। सेकेंड चीज़, अभी का जो हम ट्रेंड देखते हैं मल्टीपल यू नो फैट डाइट्स में यू नो जाके प्रेगनेंसी कंसीव होती है कि भाई बहुत क्रैश डाइट करके वेट लॉस किया है और गायनेक्स ने बोला है कि करनी है जल्दी, अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो वेट लॉस फास्ट करिए, तो उस चक्कर में काफ़ी फीमेल्स सार्कोपिनिक मतलब मसल लॉस काफ़ी हो जाता है जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है GDM के होने का और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का। सो प्रोटीन खाना एक बहुत आवश्यक न्यूट्रिशनल पोर्शन इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो बहुत अच्छे डाइटिशियंस अवेलेबल भी हैं ये चीज़ गाइड करने के लिए, और आप भी सिंपल एक खाने के माध्यम से आप कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने पेशेंट का खाना बहुत इजीली आप समझा सकते हैं। जैसे राइस के साथ अगर आप दाल करते देते हैं वेजिटेरियन पेशेंट्स को, या दाल के साथ आप राइस के साथ आप ऐड कर देते हैं पनीर या सोया चंक्स, तो आप प्रोटीन का क्वोशन बढ़ा देते हैं। आप सिंपल के टिप्स सकते हैं कि 2 कार्ब्स कंबाइन नहीं करने हैं, जैसे हमारा डाइटरी हैबिट्स है कि हम रोटी भी खाएंगे चावल भी खाएंगे साथ में हम कोई सब्जी खाएंगे, उसकी जगह पे आप सिंपल टिप्स अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं वो या तो एक रोटी का भाग खाए विद अ वेजिटेबल या तो वो चावल विद वेजिटेबल खाए, और कब खाए तो अगेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू गोज अप। एंड यस, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सैलड्स अगेन सिंपल कुकम्बर एंड टमेटो इज अ ग्रेट गो बिफोर द फूड। ये सिंपल टिप्स आप दे सकते हैं इवन इन GDM पेशेंट, इट प्रिवेंट्स लॉट ऑफ ग्लाइसेमिक फ्लक्चुएशंस। तीसरी एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि अभी हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों में डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रहा है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25, तो उसमें ये पाया गया है कि जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तब जितनी शुगर फ्लक्चुएट करती हैं उससे इम्पैक्ट होके बच्चों को डायबिटीज़ अभी जल्दी देखी जा रही है। तो अभी माना जा रहा है अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर किसी का रैंडम शुगर 110 से ज़्यादा देखते हैं, या तो PP शुगर 110 से ज़्यादा देखते हैं जो मापदंड पहले 140 था, तो भी हाई रिस्क है कि वो GDM में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे जाके। तो ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी हमें देखना चाहिए और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस पहले से देनी चाहिए। लास्ट पोर्शन वुड बी कि हम क्या उनको फार्माकोथेरेपी ऑफर करें। हम एज ओल्ड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स देते आ रहे हैं, बट लेटेस्ट रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस के माध्यम से हमने एविडेंसेस देखे हैं कि इंसुलिन इज द बेस्ट फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें शुगर फ्लक्चुएशंस भी कम रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस माँ को और बच्चे को भी कम रहते हैं, बट आप सिंपल काउंसलिंग से भी पेरेंट्स मदर्स को कन्विंस कर सकते हैं लेना। जैसे सिंपल पेट पे लेने से भी काफ़ी माताएं डरती हैं, आप खुद एक प्रिक देके उन्हें समझा सकते हैं कि उसमें कोई हानि नहीं होने वाली है बच्चे को और उसके लाभ ही होने वाले हैं। सिंपल इंटरेक्शन विद योर पेशेंट्स इवन फॉर 5 to 7 minutes इन द अर्लीस्ट फेज ऑफ डायग्नोजिंग देम विद GDM इवन इन रूरल सेटिंग्स विल हेल्प यू मैनेज देयर डायबिटीज वेल। थैंक यू।